हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी 3SC 9212 ANM भर्ती में 7182 जो नौ चयनित ANM थी उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और जल्द से जल्द वो ज्वाइनिंग कर ली। और अब हम बात करेंगे प्रोविजनल ANM की, जो कि हैं करीब 1622 टोटल और उनका अभी चयन होना बाकी है और उनकी जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, वो चल रही है। और इसके लिए फाइल UP SSC आयोग से आपके स्वास्थ्य महानिदेशालय को भेज दी गई है, तो उस पर जल्द से जल्द प्रोसेस सत्यापन का कार्य चल रहा है और आप लोगों की भी ज्वाइनिंग बहुत ही जल्द होगी। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में, उसमें हम देखेंगे क्या है। नौ चयनित 1508 ANM को जल्द मिलेगी नियुक्ति, ठीक है। प्रदेश में स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर जल्द 1508 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यानी ANM की तैनाती की जाएगी। ANM पद पर चयनित इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज पूरे ना होने के कारण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC ने परिणाम रोक दिया था। अब अभ्यर्थियों द्वारा जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने परिणाम परिवार कल्याण विभाग को सौंप दिया है। परिवार कल्याण महानिदेशक डॉक्टर अनीता जोशी ने बताया कि ANM पद पर चयनित इन सभी अभ्यर्थियों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, इसके बाद ही इन्हें स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर तैनाती दी जाएगी। इधर परिवार कल्याण महानिदेशालय अभी तक 1458 नौ चयनित ANM का सत्यापन का काम पूरा कर चुका है, बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में 25,848 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, 5,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। ANM की तैनाती होने से स्वास्थ्य उपकेंद्रों में गर्भवती व नवजात शिशु का टीकाकरण और बीमार लोगों की स्क्रीनिंग का काम बेहतर ढंग से हो सकेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ANM सिस्टर्स के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इसमें जो 1622 टोटल वैकेंसी, टोटल जो प्रोविजनल बहनें थी, तो इसमें से ये दिया गया है कि 1508 ANM को जल्द मिलेगी नियुक्ति। तो यानी कि जो 1622 लगभग 122 जो प्रोविजनल बहने के बारे में जो डिटेल्स नहीं है, तो हो सकता उनका अभी जो वेरिफिकेशन है वो पूरा ना हुआ हो इसीलिए, या उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ज़्यादा कमी हो इसलिए वो क्या करेंगे कि 1508 ANM को नियुक्ति दे देंगे और बाकी जो बहने बची उनकी भी नियुक्ति होगी, पर हो सकता है उसमें टाइम लगे। और जो 1508 ANM है उनको मान के चलिए आपकी आपको 15 या 20 जुलाई तक आप लोगों को भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।